सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायरस को रखा कहाँ गया है, किस स्थान पर इसको स्थान मिला है, उसकी बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसका मतलब होता है पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति। तो पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो भाई पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है आर एच विटेकर। आर एच विटेकर, समझिएगा बहुत कॉन्सेप्टुअल है ये। आर एच विटेकर, देखिए आर एच विटेकर ने क्या किया, जो जीवाणु होता है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, जो जीवाणु होता है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, इस बैक्टीरिया को इन्होंने स्थान दिया जगत मोनेरा में, जगत मोनेरा, ठीक है। उन्होंने ये काम ठीक किया कि भाई बैक्टीरिया है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको इन्होंने स्थान दे दिया किंगडम मोनेरा में, ठीक है, इसमें किंगडम मोनेरा में, मोनेरा में इन्होंने क्या दिया, इसको स्थान दे दिया। चलो ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वायरस की, जिसको हम कहते हैं विषाणु, और इसके आगे हम बात करते हैं लाइकेन की, लाइकेन की, वायरस और लाइकेन की हम बात करते हैं तो इन दोनों को, वायरस, लाइकेन और एक वायराइड होता है, इन तीनों को पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में यानी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं मिला, कोई स्थान नहीं मिला। बात समझ में आई नहीं? आर एच विटेकर ने जो पांच किंगडम वर्गीकरण दिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें तो उन्होंने जीवाणु, ठीक है, जो जीवाणु है उसको स्थान दे दिया किंगडम मोनेरा के अंतर्गत, ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत स्थान दे दिया। लेकिन जो वायरस है और जो लाइकेन है, साथ में वायराइड आते हैं, इनको क्या किया, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में यानी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई स्थान ही नहीं मिला। तो अगर इनको कोई स्थान नहीं मिला तो इनको अलग से रखना पड़ा, ठीक है, अगर इनको कोई स्थान नहीं मिला तो इनको अलग से रखना पड़ा था। ऐसे समझिए कि आपके घर में चार पांच कुर्सी है, वहां पर पहले से आकर के पांच लोग बैठे हुए, ठीक है, वहां पर पहले से आकर के पांच लोग बैठे हुए, जब आप अकेले वहां पर नए जाएंगे तो आपको वहां पर जगह मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पांच कुर्सी है और पांचों पर पांच लोग बैठे हुए हैं, तो आपको जगह नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कुर्सी लेकर के एक अलग जगह पर बैठना पड़ेगा, ठीक। वही बात है भाई कि पांच जगत वर्गीकरण में पांच कुर्सियां थी, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप, जगत जंतु, वहां पर तो पांचों लोग बैठ गए। अब बेचारा जो आया है वायरस, अब वायरस को उस पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में कोई स्थान मिला ही नहीं। जब इसको कोई स्थान नहीं मिला तो ये क्या करेगा बेचारा, अपना जाएगा मार्केट से कुर्सी खरीदेगा, कुर्सी खरीदने के बाद क्या करेगा, उस पर वो बैठेगा और उस पर धाक जमा के, भैया इसको हमने खरीदा है, इस पर आप नहीं बैठ सकते, ये हमारा है, हमने खरीदा है, ठीक। उसी प्रकार से वायरस को क्या किया गया, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति से बाहर कर दिया गया। जब इसको बाहर कर दिया गया तो इसको हम अलग से पढ़ते हैं कि वायरस क्या होता है, इसके पूरे जीवनी को, पूरे जीवन गाथा को हम अलग से पढ़ेंगे। कितनी बात समझ में आई, वायरस को अलग क्यों किया गया, क्योंकि पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में इसको कोई स्थान ही नहीं मिला, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, अलग से पढ़ा जा रहा है, समझ में आया। चलिए अब इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो, फिर आगे की पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले कि अगर हम वायरस शब्द की बात करते हैं, वायरस जो शब्द है वो कहां से मिला, अगर हम बात करते हैं टर्म वायरस की, टर्म वायरस,
टर्म वायरस की बात करते हैं, टर्म वायरस हमको कहां से मिला? अगर हम बेटा बात करते हैं टर्म वायरस, तो ये एक लैटिन शब्द से मिला हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ है, लैटिन वर्ड से मिला हुआ है, जिसका मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पॉइजन यानी कि जहर, ठीक है। इसका मतलब होता है जहर, वायरस का मतलब होता है जहर। इसको एक और नाम देते हैं हम यहां पर, इसको हम देते हैं वेनम या विस्कस फ्लूइड, ठीक है। इसको हम करते हैं ओवर करके देखेंगे वेनम, फिर इसके बाद हम इसको ओवर करके एक और नाम देंगे विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, ठीक है। जो टर्म वायरस है वो लैटिन वर्ड पॉइजन, लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है। अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, मतलब की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है पॉइजन, जहर, ठीक है। इसको हम कहते हैं वेनम, उसका भी मतलब जहर होता है। और एक होता है विस्कस फ्लूइड यानी कि विषैला पदार्थ, विषैला तरल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि जो वायरस से बेटा वो वायरस एक टर्म है जो कि लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम जिसका मतलब होता है पॉइजन यानी कि जहर, वेनम उसी को मतलब जहर कहते हैं, और विस्कस फ्लूइड यानी कि एक विषैला तरल। इतनी बात समझ में आई, तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ में नोट्स मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, तो आगे की पॉइंट में अगर हम बात करते हैं फादर, फादर कौन है वायरोलॉजी के, या फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कि वायरस के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो विज्ञान के किस शाखा में पढ़ते हैं, साइंस के किस ब्रांच में हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर हम बात करते हैं स्टडी की, ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर जगह है। अगर हम बात करते हैं स्टडी की, स्टडी ऑफ वायरस यानी कि विषाणु का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन, अगर हम विषाणु के अध्ययन की बात करते हैं, तो विषाणु का जो अध्ययन होता है वो हिंदी में कहते हैं विषाणु विज्ञान में, ठीक है, विषाणु विज्ञान में करते हैं। और अगर हम इसी बात को इंग्लिश में कहें तो हम करते हैं वायरोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, वायरोलॉजी के अंतर्गत हम विषाणु का अध्ययन करते हैं। ये बात समझ जाए बेटा, अगर हम बात करते हैं विषाणु का अध्ययन कहां करते हैं, तो विषाणु का अध्ययन जो होता है वो वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि विषाणु के अध्ययन की हो गई बात वायरोलॉजी, अब विषाणु का जनक कौन है, वायरोलॉजी का जनक कौन है, वायरोलॉजी के फादर कौन है, फादर की अगर हम बात करते हैं तो फादर जो है इसके वो बीजरंक है, ठीक है, बीजरंक है, एमडब्ल्यू बीजरंक, ठीक है, एमडब्ल्यू बीजरंक को हम वायरोलॉजी के फादर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं फादर, एफ एच ई आर, जिसको हम फादर कहते हैं ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी इसको हिंदी में कहते हैं विषाणु विज्ञान के जनक, विषाणु विज्ञान के जनक, विषाणु विज्ञान के जनक की बेटा बात करते हैं तो वो है एमडब्ल्यू बीजरंक, एमडब्ल्यू बीजरंक, एमडब्ल्यू बीजरंक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ वायरोलॉजी। इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखो मैं गोला गोला सर्कल करके अलग अलग पॉइंट को अलग अलग जगहों पर लिखता हूं, ताकि आपके दिमाग में एक फिगर डाय फिगर बने, यहां सर जी ने यहां पर लिखा था, गोला करके कुछ फिगर बना करके लिखा था, यही चीज सही है, ठीक है। तो जो फादर है वायरोलॉजी के वो क्या है, एमडब्ल्यू बीजरंक है। अब इसके बाद आता है कि जो टर्म वायरस है यानी कि जो शब्द वायरस है वो सबसे पहले यूज किसने किया था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो शब्द वायरस है, शब्द वायरस की बात करते हैं, कहां पर लिखूं मैं इसको, यहां पर लिखता हूं। अगर हम बात करते हैं जो शब्द वायरस है, शब्द वायरस, शब्द वायरस, ठीक है, शब्द वायरस को सबसे पहले किसने यूज किया था, तो शब्द वायरस को सर्वप्रथम, शब्द वायरस को सर्वप्रथम लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने दिया, लुईस पाश्चर ने दिया, ठीक है, शब्द वायरस किसने दिया, सर्वप्रथम लुईस पाश्चर ने शब्द वायरस को दिया था। इतनी बात समझ लिया बेटा। चलो हमने क्या अभी तक देखा, हमने कुल लगभग 6 पॉइंट देखा। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जो वायरस है वायरस को कहां स्थान नहीं मिला, तो कहां स्थान नहीं मिला, तो आर एस विटेकर साहब द्वारा जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति बनाई गई थी वहां पर उन्होंने जीवाणु को स्थान दिया जगत मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा में, लेकिन उन्होंने क्या किया, विषाणु को और लाइकन को
स्थान नहीं दिया पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में कहीं भी, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो टर्म वायरस है वो किस टर्म का है, कौन से जगह से मिला गया है। तो टर्म वायरस है वो एक लैटिन वर्ड है, वायरस जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है पॉइजन यानी कि जहर, या फिर इसको हम वेनम कहते हैं इसका भी मतलब जहर होता है, या फिर इसको हम इंग्लिश में विस्कस फ्लूइड कहते हैं जिसका मतलब होता है विषैला तरल। ठीक है, विषैला तरल, इतनी बात समझ में आया बेटा। चलो फिर उसके बाद हमने कहा कि जो विषाणु होता है उसका अध्ययन कहाँ करते हैं, तो विषाणु का जो अध्ययन होता है वो विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी के अंदर होता है। उसके बाद हमने बात किया कि फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है, यानी कि विषाणु विज्ञान के जनक कौन है, पापा कौन है, जैसे हमारे पापा हैं, आपके पापा हैं, आपके पापा के पापा होंगे दादाजी इसको कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं। तो वहां पर देखो फादर ऑफ वायरोलॉजी जो होता है यानी कि विषाणु विज्ञान के जनक, तो M.W. बेजरिंग को हम विषाणु विज्ञान के जनक करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आपके घर में आपका नाम कोई भी हो XYZ, उसको किसी ने रखा होगा, आपके दादा ने रखा होगा, आपके पापा ने रखा होगा आपका नाम। मान लीजिए आपका नाम गोलू है, तो गोलू किसने रखा, आपके पापा ने रखा होगा, या फिर मम्मी रखा होगा, या दादा ने रखा होगा, कोई तो रखा होगा। ठीक उसी प्रकार से जो वायरस नाम है उस वायरस नाम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है लुईस पाश्चर। देखो लुईस पाश्चर ने डायरेक्ट ये नहीं कर दिया कि भाई ये वायरस है, उन्होंने कहा कि ये अज्ञात रोगाणु है। लुईस पाश्चर ने क्या कहा था, लुईस पाश्चर ने वायरस को अज्ञात रोगाणु कहा था। ठीक है, वायरस को अज्ञात रोगाणु, वायरस को अज्ञात रोगाणु किसने कहा, वायरस को अज्ञात रोगाणु किसने कहा, पॉइंट तो है भाई, वायरस को अज्ञात रोगाणु किसने कहा, बताओ भाई वायरस को अज्ञात रोगाणु किसने कहा। तो वायरस को अज्ञात रोगाणु कहने वाले वैज्ञानिक का नाम है लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर नाम के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई वायरस जो है वो एक अज्ञात रोगाणु है। ठीक है, अनजाना रोगाणु है, हमारे शरीर में घुसता है, रोग उत्पन्न करके चला जाता है, बढ़िया बढ़िया रोग उत्पन्न करता है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर में रेबीज आ जाता है, तो इस प्रकार से ढेर सारे ये बढ़िया बढ़िया रोग भी उत्पन्न करता है। एक और बढ़िया रोग है भैया एड्स, ठीक है, उससे भी बढ़िया रोग है कई, ठीक है, पोलियो वोलियो सब कुछ है। तो इतनी पॉइंट समझ में आती, तो आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, अन्यथा आपको तो हमने बता दिया कि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो आगे की बात करते हैं, आगे की पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि विषाणु जो होते हैं इससे संबंधित बहुत सारे खोज हुए थे। विषाणु जब खोजा जा रहा था तो वहां पर ढेर सारे वैज्ञानिक आए थे अपने अपने खोजों को लेकर के, वहां पर बताया कि भैया हमने ये खोज दिया, हमने वो कर दिया, हमने क्या किया। तो सभी लोग बात करने लगे कि भाई आपने जब ये किया तो हमने भी तो कुछ किया है, आपने वो खोजा तो हमने भी कुछ खोजा है, चलो सब लोग मिलकर के एक नए खोज को करते हैं। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और हम करते हैं इसको रब। ठीक है, फिर लिखेंगे आगे की पॉइंट को। देखते हैं विषाणु के संबंधित खोज, विषाणुओं के संबंध में खोज। विषाणु से संबंधित खोज, ठीक है, विषाणु से संबंधित खोज की बात करते हैं, ये हमारा हेडिंग है, विषाणु से संबंधित खोज की बात करते हैं। तो यहां पर ढेर सारे पॉइंट को देखेंगे कि जो विषाणु है वो सबसे पहले किसने खोजा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो वायरस है, लगता है इस बंदूक की गोली खत्म हो रही है, एक मिनट थोड़ा सा, अगर हम बेटा बात करते हैं जो विषाणु है, वायरस जो है, इसको खोजा किसने था, कब खोजा था,
तो वायरस की अगर हम खोज की बात करते हैं तो वायरस को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है इवाइनोवस्की, ठीक है, डिमिट्रो इवाइनोवस्की नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की थी सन 1892 ईस्वी में, ठीक है, 1892 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, वायरस की खोज की थी। तो वायरस डिस्कवर्ड बाय यानी कि विषाणु की खोज किसने की थी भैया, तो विषाणु की खोज की थी इवाइनोवस्की ने। तो थोड़ा सा मेरा कैमरा बंद हो गया था, देखो वायरस की खोज करते हैं तो वायरस डिस्कवर्ड बाई इवाइनोवस्की। कब डिस्कवर्ड किया गया था बेटा, तो वायरस डिस्कवर्ड किया गया था इवाइनोवस्की नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में वायरस की डिस्कवरी हुई थी इवाइनोवस्की के द्वारा। अच्छा किस दौरान हुई थी, तो जब इवाइनोवस्की, ठीक है, तंबाकू के पत्ती में चितीर रोग का अध्ययन करते समय हुआ था। तो वायरस की डिस्कवरी कब हुई थी बाबू, तो वायरस की डिस्कवरी हुई थी मेरे बच्चा सन 1892 ईस्वी में, जब इवाइनोवस्की नाम के वैज्ञानिक थे, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, जो कि तंबाकू के पत्ती में चितेर रोग के अध्ययन कर रहे थे। चितेर रोग यानी कि जो तंबाकू की पत्तियों में ऐठन उत्पन्न करता है, उस रोग के बारे में ये अध्ययन कर रहे थे। तब इन्हें एक अति सूक्ष्म कण मिला, बहुत ही छोटा कण मिला जो इनकी खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहे थे। इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाने पर पता चला कि इन्हीं की वजह से जो रोग है चितेर वो आया, ठीक है। तो इसको उन्होंने नाम दिया टीएमबी, टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो इसके अध्ययन करते समय वायरस की खोज हुई थी। जब इन्होंने वायरस की खोज कर ली तो उसके बाद आती है कि इसको क्रिस्टलीकरण किसने किया था, वायरस को क्रिस्टलीकरण किसने किया था। तो स्टैनले नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले वायरस को 1935 ईस्वी में क्रिस्टलीकरण किया था, ठीक है। स्टैनले, याद करना पॉइंट है सभी, स्टैनले ने सर्वप्रथम उन्नीस सौ पैंतीस ईस्वी में टीएमवी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस को क्रिस्टलीकरण किया, जिसके लिए इन्हें क्या किया गया, 1946 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो बात समझ में आई, बात को समझिएगा, एक ही पॉइंट में अलग अलग करके लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए मेरे लाल। देखो हमने क्या कहा कि वायरस की खोज इवाइनोवस्की ने किया था, कब किया था, तो 1895 में किया था। किसके द्वारा किया था, तो तंबाकू की पत्ती में चितेर रोग का अध्ययन कर रहे थे, और इसी तंबाकू की पत्ती में जो चितेर रोग था जिसको टीएमबी वायरस हमने कहा, तो इस टीएमबी वायरस का क्रिस्टलीकरण किसने किया, तो क्रिस्टलीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्टैनले। कब किया था, तो 1935 में किया था, जिसके लिए उन्होंने 1946 ईस्वी में एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगले अगर हम पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो अगला पॉइंट क्या हो जाता है, साथ में आता है 1944, ठीक है, 1935 के बाद आता है 1944, जिसमें डार्लिंगटन ने बताया कि जो विषाणु होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अगर विषाणु किस चीज का बना होता है, इसीलिए हमारा राइज होता है, विषाणु किसका बना होता है। तो 1944 ईस्वी की बात है, 1944 ईस्वी में डार्लिंगटन
ठीक है, डार्लिंग नहीं पढ़ना है, इसको डार्लिंगटन पढ़ना है। डार्लिंगटन ने बताया बताया कि विशाल न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, के बने होते हैं। क्वेश्चन है छोटा छोटा, जितनी भी पॉइंट में इसकी खोज से संबंधित बताऊंगा, डिस्कवरी से रिस्पेक्ट बताऊंगा, वो सब के सब एक एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया कि विषाणु किस चीज का बना होता है, तो विषाणु बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का। अब कहेंगे सर जी ये न्यूक्लियो प्रोटीन किस चिड़िया का नाम है, कौन सी पंछी है न्यूक्लियो प्रोटीन, तो बताएं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है वो दो सबसे मिलकर बना हुआ है। पहला जो देखो यहां पर देख लो, समझ लो यहां पर न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन दो सबसे मिलकर के बना हुआ है। पहला जो है वो है न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद दूसरा शब्द है प्रोटीन, और प्रोटीन का मतलब जो बेटा होता है वो होता है प्रोटीन। ठीक है, तो बात समझ में आई कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डार्लिंगटन। ठीक है, डार्लिंगटन, मैं फिर से बता रहा हूं, डार्लिंग नहीं पढ़ना इसको, डार्लिंगटन नाम है इसका। कब किया था, तो 1944 ईस्वी में किया था। ठीक है, और बताया क्या कि उन्होंने बताया कि जो वायरस होता है, विषाणु होता है, वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, और न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है। इतनी बात क्लियर हुई सबको, चलो आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करते हैं, तो जो हर्षे और चेस नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 1952 ईस्वी में क्या किया, हर्षे और चेस नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि जो जीवाणु भोजी होता है, बैक्टीरियो फेज जिसको कहते हैं, ठीक है, हर्षे और चेस, ठीक है, हर्षे और चेस, हर्षे और चेस, ठीक है, नामक वैज्ञानिक है हर्षे चेस ने 1952, हर्षे चेस ने 1952 में बताया कि जो बैक्टीरियो फेज होते हैं, बैक्टीरियो फेज यानी कि जिसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं, जीवाणु भोजी, तो जीवाणु भोजी के अंदर उन्होंने आनुवांशिक पदार्थ के बारे में बताया, जीवाणु भोजी में आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, जीवाणु भोजी में आनुवांशिक पदार्थ उन्होंने बताया डीएनए होता है। जीवाणु भोजी में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया बेटा कि जीवाणु भोजी में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो जीवाणु भोजी के अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो होता है डीएनए। किसने बताया, तो सर 1952 ईस्वी में हर्षे और चेस नाम के एक महान वैज्ञानिक आए पृथ्वी पर, इस धरती पर, उन्होंने ये महान काम किया अपने कोमल हाथों से कि जो बैक्टीरियोफेज जिसको हम जीवाणु भोजी करते हैं, जीवाणु के भक्षण करने वाले जो विषाणु होते हैं उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इस बात को उन्होंने अपने कोमल कोमल हाथों से 1952 ईस्वी में लिख करके बताया। फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है, एचआईवी वायरस होता है जो एड्स रोग का जनक होता है, एचआईवी वायरस की खोज किसने की थी, तो एचआईवी वायरस की खोज लुक मॉन्टेग्नर नामक वैज्ञानिक है उन्होंने किया था, लुक मॉन्टेग्नर और एक रॉबर्ट गैलो, लुक मॉन्टेग्नर और रॉबर्ट गैलो नाम के वैज्ञानिक दो हैं जिन्होंने 1984 ईस्वी में एचआईवी वायरस की खोज की थी। ठीक है, एचआईवी वायरस की खोज की बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं एचआईवी वायरस, ठीक है, एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस की खोज, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस की खोज बात करते हैं, तो सन 1984 में रॉबर्ट गैलो और लुक मॉन्टेग्नर, रॉबर्ट गैलो एवं लुक मॉन्टेग्नर, लुक मॉन्टेग्नर ने खोजा था, ने किया था। बात समझ में आया बेटा,
कि एचआईवी वायरस जो होता है, एचआईवी वायरस की खोज किसने की थी? तो एचआईवी वायरस की खोज की थी सन 1984 ईस्वी में रॉबर्ट गैलो और लुक मार्टिनर नामक दो महान वैज्ञानिक ने। वो धरती पर आए और 1984 ईस्वी में एचआईवी वायरस की खोज किए और फिर चल बसे। फिर इसके बाद अगर हम बातें करते हैं आगे की, तो विषाणु के कुछ सामान्य लक्षण। देखो अभी तक हमने क्या देखा, बहुत कुछ हमने सीखा वायरस के बारे में, हमने बहुत कुछ सीखा कहां पाया जाता है, किसने खोज किया था, किसने नाम दिया था, क्या होता है, कौन सा रोग होता है, इसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन इसके पहले हमने देखा कि वायरस की जब खोज की जा रही थी तो उसके बाद कौन कौन सी खोज की गई। तो हमने देखा कि जो वायरस की खोज की जा रही थी वो सबसे पहले वैज्ञानिक इवाइलोवस्की द्वारा किया गया था। वो तंबाकू की पत्तियों में चित्र रोग का अध्ययन कर रहे थे। कब कर रहे थे वो भी याद कर लीजिए, 1892 ईस्वी में कर रहे थे। उसके बाद हमने चला आगे देखा, थोड़ा सा आगे की बात देखा, स्टैनले नामक एक वैज्ञानिक का है जिन्होंने पीएमवी वायरस यानी कि चितेर रोग जिसके कारण होता है उसकी क्रिस्टलीकरण किया, जिसके लिए उन्हें 1946 ईस्वी में एक नोबल पुरस्कार मिला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आगे की पॉइंट में 35 के बाद 1944 आया, विषाणु शब्द के बारे में तो पिछले पॉइंट में देखा है। तो विषाणु किस चीज का बना होता है, तो 1944 ईस्वी में डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो विषाणु होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। फिर उसके बाद आगे की पॉइंट बात करते हैं, तो आगे की पॉइंट में हमने देखा जो हर्षे और चेस ने उन्होंने 1952 ईस्वी में बताया कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, जीवाणुभोज होता है, उसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, रिवाइज कर रहा हूं मैं। यहां पर देखो एचआईवी वायरस की खोज 1984 ईस्वी में रॉबर्ट गैलो और लुक मार्टिनर द्वारा किया गया था। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं आगे जीवाणु के समान लक्षण के, क्या जनरल कैरेक्टर्स है, क्या जनरल फीचर्स है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दुनिया में जितने भी इंसान है सबके तो कुछ ना कुछ लक्षण मिलते होंगे एक दूसरे से, बहुत सारे लक्षण मिलते होंगे। जैसे कि बात करते भैया हमारे हाथ है तो आपके भी हाथ में पंख नहीं होंगे, ठीक है, हमारे पैर है तो आपके भी पास पैर होगा, हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, आप ट्रैकिया या गिल से थोड़ी ना सांस लेते हैं, आप भी फेफड़ों से सांस लेते हैं, ये सामान्य लक्षण है। ठीक है, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है तो आपके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता होगा। कोई भोजन पचाने के लिए कोई हल्ला हुआ वाला तंत्र नहीं पाया जाता होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ही पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है तो आपके शरीर के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आपके शरीर में जो खून होता है वो वैसे ही थोड़ी ना बहता है, नसों में बहता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में नर्वस सिस्टम होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, तो हमारे शरीर में भी नर्वस सिस्टम है आपको समझाने के लिए, तभी तो हम समझा रहे हैं। यहाँ पर फिट है मेरा नर्वस सिस्टम, आपका भी नर्वस सिस्टम यहीं पर फिट है। ठीक उसी प्रकार से दुनिया में जितने भी विषाणु है, जितने भी वायरस है, सबका कुछ ना कुछ एक लक्षण होता होगा जिसको हम सामान्य लक्षण करते हैं, जो कॉमन कैरेक्टर्स कहलाता है, उसी को हम अभी देखने वाले हैं। तो आप चाहते हैं इसका नोट्स बनाना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा हम तो बता ही दिए, नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं वायरस के कुछ सामान्य लक्षण की। ठीक है, बात करते हैं विषाणु के सामान्य लक्षण, विषाणु की सामान्य लक्षण। ठीक है बेटा, जिसको हम अंग्रेजी में बड़े प्यार से लिखेंगे जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस इसको हम कहते हैं। इसी चीज को अभी हम पढ़ने वाले। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विषाणु का जो आकार होता है वो कितना से कितना होता है। सबसे पहली बात, विषाणु का जो आकार होता है वो कितना से कितना होता है। तो विषाणु जो होता है वो 10 से लेकर 300, ठीक है, 10 से लेकर के 300 नैनोमीटर या फिर इसी को हम करते हैं 200 माइक्रोमीटर तक का होता है, 200 माइक्रोमीटर तक का होता है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं आकार की, ठीक है, तो आकार की बात करते हैं तो विषाणु जो होता है 10 से लेकर के 300 या इसी को हम करते हैं 200 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, 200 माइक्रोमीटर तक का होता है।
आगे की बात करेंगे। विषाणु है क्या? तो विषाणु क्या है? अति सूक्ष्म कणिकामय संरचना है। ठीक है, अति सूक्ष्म कणिकामय संरचना है। तो विषाणु क्या है भैया? विषाणु, विषाणु अति सूक्ष्म कणिकामय, कणिकामय संरचना है। विषाणु क्या है? अति सूक्ष्म कणिकामय संरचना है। बात को समझिएगा भैया, अभी हमने बताया था, यहीं पर लिखा था, जहां पर हम लिख रहे हैं कणिकामय है, यहीं पर हमने लिखा था कि जो स्टैनले साहब थे उन्होंने 1935 ईस्वी में टीएमबी को क्रिस्टलीकरण किया था। क्रिस्टलीकरण किया था कि नहीं किया था? तो क्रिस्टल का मतलब होता है कण, दानेदार कण। तो भैया जो वायरस है वो एक सूक्ष्म कणिकामय संरचना होती है, ये बात सिद्ध हुई। ठीक है, किसने किया था? स्टैनले ने किया था। आगे की पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो आगे की पॉइंट को देखते हैं। तो जो विषाणु होता है वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता, उसके पास क्षमता ही नहीं है, उसके पास हाथ पैर ही नहीं है, कैसे बनाएगा भाई? तो वायरस जो होता है वो ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होता है। क्या होता है? ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होता है, यानी कि जब वो किसी सजीव के शरीर के अंदर जाएगा तो ससुरा उसी को खा जाएगा। यानी कि चमचा जो होता है, चम्मच जो होता है वो बर्तन को खाली करता है, और वायरस जो होता है वो इंसान को ही खाली कर देता है। बात को समझिएगा, चम्मच जो होता है जिस बर्तन में रहता है उस बर्तन को खाली करता है, लेकिन वायरस जिस इंसान के शरीर में पहुंच गया उस इंसान को ही खत्म कर देगा ना। समझिएगा क्या कह रहा हूं। तो वायरस क्या होता है? विषाणु ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। बात समझ में आया? विषाणु क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो शरीर के, जो सजीव के शरीर में पाया जाता है, जो सजीव के शरीर में पाया जाता है। विषाणु क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो सजीव के शरीर में पाया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट यहां पर क्या मिल जाएगा? तो विषाणु के पास एक क्षमता होती है प्रतिलिपिकरण करने की, नहीं, प्रतिलिपिकरण करने की क्षमता होती है, कोशिका विभाजन या विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, इसमें गुणन करने की क्षमता नहीं होती है, इसमें फोटोकॉपी करने की संख्या होती है, ढेर सारी छिरॉक्स कॉपियां ये बना लेगा एक कॉपी से। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि विषाणु के पास क्या होती है? प्रतिलिपिकरण की संख्या क्षमता होती है। विषाणु के पास, विषाणु के पास प्रतिलिपिकरण, विषाणु के पास प्रतिलिपिकरण की क्षमता होती है। विषाणु के पास क्या होती है? प्रतिलिपिकरण की क्षमता होती है। एक बात और बताएं, आगे की पॉइंट अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटे वायरस का जो आयतन होता है, सबसे छोटे वायरस का जो आयतन होता है वो 7×10⁻⁷ माइक्रोमीटर स्क्वायर होता है। सबसे छोटे वायरस का आयतन, सबसे छोटे वायरस, वायरस यानी कि विषाणु का आयतन, का आयतन, सबसे छोटे वायरस का आयतन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे छोटे वायरस के जो आयतन होते हैं, सबसे छोटे वायरस का जो आयतन है वो है 7×10⁻⁷ माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, ये हम तो सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर को देख लिए। अब अगर बेटा हम बात करते हैं वायरस के सजीव लक्षण क्या है। अभी हमने बताया कि जो वायरस होता है वो ना तो सजीव है, ठीक है, वायरस क्या है? ना तो सजीव है ना तो निर्जीव। वायरस क्या है? ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है। जब वो सजीव की कोशिका में जाएगा तो वहां पर सजीव की भांति व्यवहार करेगा, और सजीव की कोशिका से जैसे ही बाहर आया वो निर्जीव की भांति व्यवहार करने लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विषाणु है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। विषाणु क्या होता है? विषाणु सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव के बीच की, बीच की कड़ी है। विषाणु क्या है?
सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात को याद रखने का, वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? देखो अब हम बात करेंगे कि वायरस को हम सजीव क्यों कहेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे कि हम वायरस को निर्जीव क्यों कहेंगे, ठीक है? इसी बात पर हमारी होगी चर्चा, तो आप पहले इसको रोक दीजिए, फिर चलेंगे आगे की बात। चलो भाई, विषाणु के सजीव लक्षण, विषाणु के सजीव लक्षण की बात करते हैं। तो विषाणु का सजीव लक्षण क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि जो विषाणु होता है वो सजीव होता है? बात को ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए विषाणु जो होता है ये केवल और केवल सजीव कोशिका में सक्रिय होता है, ठीक है? पॉइंट लिखते हैं इसको हम, विषाणु केवल सजीव कोशिका में, सजीव कोशिका में सक्रिय होता है। विषाणु केवल क्या होता है, सजीव कोशिका में सक्रिय होता है। बात को समझिएगा, विषाणु क्या होता है, केवल और केवल सजीव कोशिका में सक्रिय होता है, यानी कि यह अपनी हर एक्टिविटी को दिखाएगा जो इसको करना होता है, कब, जब ये किसी सजीव कोशिका में जाएगा तब, ठीक है? हर अपनी एक्टिविटी को दिखाएगा जब ये सजीव कोशिका में जाएगा तब, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया। अगर इसी में हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये कैसे सजीव कहलाएगा, तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये केवल और केवल सजीव कोशिका के अंदर ही गुणन करता है, ठीक है? तो विषाणु क्या करता है, विषाणु केवल सजीव कोशिका के अंदर गुणन करता है, गुणन करता है। विषाणु क्या करता है, केवल और केवल सजीव कोशिका के अंदर गुणन करेगा। भैया अगर सजीव कोशिका से निकाल करके इसको बाहर रख दिया जाए तो ये मर जाएगा, गुणन नहीं कर पाएगा, और वापस से अगर इसको सजीव कोशिका में डाल दिया जाए तो ये फिर से खिलखिला उठेगा और गुणन करना शुरू कर देगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि वो तो आपको मारना चाहता है ना, जब आपको मारना चाहेगा तो वो तो अपनी संख्या बढ़ाएगा ही, क्योंकि दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है? तो वायरस क्या है, हमारे लिए दुश्मन है, हमारे शरीर का दुश्मन है, और जैसे ही ये हमारे शरीर में घुसेगा तो हमको ही खाएगा, ठीक है? आपको नहीं, हमको खाएगा। अगर हमारे शरीर में घुसा तो हमको खाएगा, आपके शरीर में घुसा तो आपको खाएगा। खाएगा कैसे, जब इसकी संख्या ज्यादा होगी तब खाएगा। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इसमें सजीव के जैसे दो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है? विषाणु में क्या होता है, विषाणु में सजीव के जैसे दो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सजीव के जैसे दो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। भैया कौन कौन से दो कार्बनिक पदार्थ हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो विषाणु के अंदर सजीव के जैसे दो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड होता है। ये तीन पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट की बेटा बात करते हैं तो विषाणु के अंदर सजीव के भांति डीएनए या आरएनए पाया जाता है। क्या हो जाएगा, विषाणु के अंदर सजीव के भांति डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक पाया जाता है। बात को समझ रहे हैं ना, कि जो विषाणु होता है वो केवल सजीव कोशिका में ही सक्रिय रहता है, यानी कि भैया ये मारेगा आपको तो आपके शरीर में ही एक्टिविटी को दर्शाएगा। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट इसकी ये है कि जो विषाणु होता है वो केवल सजीव कोशिका में ही गुणन करता है, यानी कि अपनी संख्या की वृद्धि किसमें करता है, केवल सजीव कोशिका में करता है।
अगली पॉइंट ये है कि विषाणु के पास सजीव के जैसे दो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रोटीन, क्योंकि इसका शरीर जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। दूसरा जो होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए जिसको कहते हैं। यानी कि विषाणु के शरीर के अंदर सजीव कोशिका के जैसे ही अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा, ये इसके सभी लक्षण हो गए। अब अगर हम बात करते हैं विषाणु के निर्जीव लक्षण की, ठीक है, विषाणु के निर्जीव लक्षण की, विषाणु के निर्जीव लक्षण, ठीक है, वायरस के अगर हम नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो विषाणु के शरीर के अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। पहला क्या हो जाएगा, विषाणु के अंदर जीव द्रव्य जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। विषाणु के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। एक क्वेश्चन आप बताइए, जब पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किस वैज्ञानिक ने कहा था, क्वेश्चन बताइए, तभी तो पता चलेगा कि आपने पिछली क्लास को रिवाइज किया है या फिर घर पर पढ़ा है खुद से। अगर नहीं बता सकते हैं तो पढ़ लीजिए, पढ़ करके फिर बताइए, लेकिन बताइए कैसे भी बताइए कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसको सजीव कोशिका का आधार किसने कहा था, जीवन का आधार किसने कहा था। लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन इस क्लास में पूछ रहा हूं। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। विषाणु में क्या होता है, विषाणु में कोई भी मेटाबॉलिक एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम जिसको हिंदी में कहते हैं उपापचयी एंजाइम, उपापचयी एंजाइम नहीं पाया जाता, उपापचयी एंजाइम नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि जो विषाणु होता है वो श्वसन नहीं करता, विषाणु श्वसन नहीं करता, विषाणु क्या करता है, श्वसन नहीं करता। भैया ये जब कोई कोशिका होगा तब तो श्वसन करेगा, ये तो कोशिका है ही नहीं, ये एक दाने की जैसी संरचना है, इसलिए ये श्वसन नहीं करता है। अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वृद्धि भी नहीं होती है, इसके शरीर का वृद्धि नहीं होता, ये अपने आकार को नहीं बढ़ाता है, इसकी आकृति जो होती है, आकार जो होती है वो एकदम से फिक्स होती है। क्यों, क्योंकि ये भैया गुणन करता है, प्रतिलिपि करण बनाता है, फोटो कॉपी बनाता है, वृद्धि नहीं करता, ठीक है। अगली पॉइंट की बात हो जाएगी कि विषाणु क्या करता है, विषाणु वृद्धि नहीं करता, वृद्धि नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ गई भैया कि जो विषाणु होता है वो क्या होता है, विषाणु के अंदर जीव द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं, जिस वजह से हम इसको कहते हैं कि जो विषाणु है वो एक निर्जीव है। विषाणु में कोई भी उपापचयी एंजाइम नहीं पाया जाता, तो भाई ये कुछ खाएगा ही नहीं तो पचाएगा क्या घंटा। आगे देखो, विषाणु क्या होता है, श्वसन नहीं करता, जब ये कोशिका ही नहीं है तो श्वसन काय का करेगा भाई, काय का श्वसन। आगे की बात करते हैं तो विषाणु में वृद्धि नहीं होता, तो विषाणु में भैया कोशिका विभाजन ही नहीं पाया जाता, तो वृद्धि किस बात की, किस बात की वृद्धि, कोशिका विभाजन ही नहीं होगा तो वृद्धि भी नहीं होगी। ये करता है प्रतिलिपिकरण, फोटोकॉपी बनाता है अपने आप की, समझ में आया। तो चलिए इतना समझ में आया, आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में हो जाएगी विषाणु की संरचना एवं संगठन, जिसको हम देखेंगे अगले क्लास में, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरियत महसूस होगी, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे विषाणु की संरचना संगठन, ठीक है।